एसबीआई ऑटो सूट फैसिलिटी को एनेबल करते समय कुछ इस तरह का एरर आ रहा है, तो इसका क्या सोल्यूशन है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सर, मेरे को एसबीआई ऑटो सूट फैसिलिटी के बारे में जानकारी चाहिए। निश्चित रहिए, इस विषय में आपका पूरा सहायता किया जाएगा। तो जो ऑटो सूट जो फैसिलिटी होता है, ये सैलरी जो अकाउंट रहता है, ठीक है, सैलरी पैकेज अकाउंट, उसमें दिया जाता है, सेविंग्स प्लस अकाउंट में रहता है सुविधा। जी सर, तो मेरे पास सर सेविंग अकाउंट है सर, सेविंग प्लस अकाउंट नहीं है, तो कैसे होगा सेविंग प्लस अकाउंट? ब्रांच में जाइएगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट लेके उनको वहाँ से बोलिएगा, वहाँ से आपको कन्वर्ट करवाएंगे सर सेविंग्स प्लस अकाउंट में। जिस ब्रांच में हम खाता खोला है उसी ब्रांच में हमें जाना पड़ेगा? जी जी, कोई एकमात्र ब्रांच से जाके कर सकते हैं। अगर हम नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो कोई फैसिलिटी नहीं है एक्टिवेट करने के लिए? वो आपका नेट बैंकिंग से नहीं होगा, एकमात्र जो उपाय है एकमात्र ब्रांच से ही कर पाएंगे, ऊपर से सॉल्टरनेट से नहीं होता है, ब्रांच पे जाके ही उसको चालू कर सकते हैं। अच्छा सर बताइए, जैसे मैं इसको एक्टिवेट करा लूंगा, एनेबल करा लूंगा, कितना बैलेंस मेंटेनेंस करना पड़ेगा? मेंटेनेंस बैलेंस का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट वहाँ पर तो फिलहाल उपलब्ध नहीं है, फिर भी अगर हम चेक करवा लेते हैं। अच्छा, कोई मेंटेनेंस बैलेंस सेविंग्स अकाउंट प्लस अकाउंट में दिया गया? जी, जो मैं ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी एनेबल कराऊंगा तो कितना बैलेंस रहेगा मेरे खाते में तो ये फैसिलिटी काम करेगी? जी, ये फैसिलिटी तब काम करेंगे जब आपके खाते में 35,000 होगा, ठीक है, तो 10,000 आपका ऑटो सेफ में चला जाएगा मोडी में, और 35,000 आपका जो है खाते में रह जाएगा सर। चलिए सर, मैं इसको एनेबल करा लिया, ठीक है सर। जी जी, तो अगर हम 35,000 या 25,000 मेंटेनेंस नहीं कर पाया किसी कारण, हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा? नहीं नहीं, उसमें तो कोई चार्जेस कुछ नहीं, उसमें चार्जेस ऐसा कुछ नहीं है। बट ये आपका ऑटो सेट तभी होंगे जब 35,000 होंगे, उसे अगर नीचे रखते हैं तो ऐसा कोई असुविधा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि एसबीआई ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी किस में दिया जाता है। अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है तो आपको परमिशन मिल जाता है, आप नेट बैंक के द्वारा ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी को आप एनेबल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, जिनके पास सेविंग अकाउंट है वो ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी का कैसे लाभ ले सकेंगे? तो उनके लिए मात्र एक साधन है, आप अपने ब्रांच जाए जहाँ पे आपने खाता खुला है, वहाँ से आप ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी को एनेबल कर सकते हैं। एसबीआई कस्टमर केयर से भी आप बात कर सकते हैं, और मैं आपको एसबीआई कस्टमर केयर का नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप बात कर सकते। और वीडियो में इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।